हेलो जैन स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अ न्यू चैप्टर, चैप्टर 7, फूड आई ईट। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 7, फूड आई ईट, भोजन जो हम लोग करते हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन। लेट्स बिगिन, ज्वाइन द डॉट टू ड्रॉ द फूड आइटम कलर द पिक्चर। आपकी बुक में दिया गया है, कुछ डॉट्स दिए हैं, ठीक है, वो किसी फ्रूट का वो डॉट फिगर बन रहा है, उस डॉट को आप ज्वाइन करेंगे, मिलाएंगे, फिर एक फिगर बन जाएगा, ठीक है, पिक्चर बन जाएगा, उसे कलर कर दीजिएगा। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट, आइए चलते हैं, लेट्स फाइंड आउट। देखते हैं हम लोग, व्हाई डू वी नीड फूड। आज व्हाई आप जानते हैं, व्हाई डू वी नीड फूड। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन भी है, आंसर भी आपके पास है। व्हाई डू वी नीड फूड, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या भोजन की जरूरत क्यों है, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, व्हाई डू वी नीड फूड? करेक्ट, फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। इसके आंसर भी है, ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है, पूछ दिया क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब देखते हैं भोजन क्यों आवश्यक है हमारे लिए। बेटा, फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। कह रहे मतलब फूड गिव अस एनर्जी, भोजन हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। एनर्जी मीन्स क्या होता है, ऊर्जा, ताकत। फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, जिससे हम भोजन हमें ताकत देता है, एनर्जी देता है, जिससे हम कार्य कर सकते हैं और खेलते हैं। नहीं भोजन लेंगे तो नहीं कोई कार्य कर पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे। ओके बेटा, फूड हेल्प अस ग्रो। नेक्स्ट है, फूड हेल्प अस ग्रो। फूड हमें बढ़ने में क्या करता है, मदद करता है, ग्रो करने में मदद करता है। हम छोटे से बड़े हो जाते हैं, इतने छोटे रहते हैं तो इतने बड़े हो जाते हैं, जब भोजन करते हैं तभी तो, भोजन नहीं करते, फूड नहीं ग्रहण करते, फूड नहीं लेते, हम नहीं ग्रो कर पाते, बड़े नहीं हो पाते, है ना बेटा। नेचर फूड कीप अस हेल्दी, फूड कीप अस हेल्दी, फूड कीप अस हेल्दी। भोजन हमें क्या करता है, स्वस्थ रखता है, भोजन हमें स्वस्थ रखता है, फूड की बस हेल्दी, हम स्वस्थ बने रहते हैं। ठीक है, द फूड वी ईट कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स। बेटा कह रहा है, जो भोजन हम लोग करते हैं वो कहाँ से प्राप्त होता है, हमें कहाँ से मिलता है भोजन, भोजन जो हम करते हैं वो फूड हमें कहाँ से प्राप्त होता है, फूड हमें एनिमल्स से और प्लांट से प्राप्त होता है, ना पौधों से और जानवरों से हमें फूड प्राप्त होता है। फूड फ्रॉम प्लांट, हम नेक्स्ट टॉपिक है फूड फ्रॉम प्लांट।
जो पौधों से हमें भोजन मिलता है उसके बारे में देखेंगे, फूड फ्रॉम प्लांट। कौन कौन से भोजन पौधों से मिलता है? फूड फ्रॉम प्लांट, फूड फ्रॉम प्लांट्स। ओके बेटा, फूड फ्रॉम प्लांट्स कर आप, वी गेट फ्रूट फ्रॉम प्लांट्स, वी गेट फ्रूट फ्रॉम प्लांट्स। जो हम लोग फल खाते हैं कहां से आते हैं? पौधे से आते हैं। कहां से आते हैं? पौधे से जो आते हैं फ्रूट्स, फ्रूट्स खाते हैं ना आप। कर आप, वी शुड ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट, दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ। मतलब वी शुड ईट, हमें खाना चाहिए भिन्न भिन्न प्रकार के, क्या करने रहे, फ्रूट्स खाने चाहिए जो हमें क्या देते हैं हेल्थ, गुड फॉर, दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ। फ्रूट्स क्या है? हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हैं। ओके, करा मैंगो, गुआवा, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, ये सब क्या है? ये प्लांट्स से हमें मिलते हैं ना। वी आल्सो गेट वेजिटेबल फ्रॉम प्लांट्स, और वेजिटेबल्स भी हम प्लांट से प्राप्त करते हैं, जैसे सब्जी है, जिसे सब्जी कहते हैं आप लोग, वेजिटेबल्स मीन्स क्या होता है? सब्जियां, ऑनियन, ऑनियन मिलता है। वी आल्सो गेट वेजिटेबल, चलिए लिख कर देखते हैं, वी आल्सो समझ में आएगा, वी आल्सो गेट वेजिटेबल फ्रॉम प्लांट, हम वेजिटेबल्स को भी प्लांट से प्राप्त करते हैं बेटा, जैसे ऑनियन, ऑनियन, प्याज, स्पिनच, स्पिनच है ठीक है, पालक, कैबेज, कैबेज, पी और बहुत सारे हमारे क्या है, वेजिटेबल्स हैं बहुत सारे जो पौधों से प्राप्त होते हैं। ओके बेटा, लेट ट्राई वन करिएगा आप लोग, क्या है, कलर द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कलर द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फिल इन द ब्लैंक्स टू राइट देयर कंप्लीट नेम। कलर करना है और फिल इन द ब्लैंक दिया है, मैंगो, कैरेट, एप्पल, इसको फिल कर दीजिएगा ठीक है, और कलर करिएगा। ओके, अब बेटा नेक्स्ट, जैसे हमने आज क्या शुरू कर दिया चैप्टर 7 और कल मैंने पढ़ाया था चैप्टर 6, लेकिन बेटा आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के सिलेबस में चैप्टर 6 को हटा दिया गया है, इसलिए हमने चैप्टर 7 शुरू कर दिया ताकि हम इसको आपको बता सकें, पढ़ा सकें टाइम से पहले। ओके, ताकि रिवीजन हम लोग करेंगे, रिवीजन करेंगे, टाइम लगेगा, मिलेगा, हम उस चैप्टर को भी पढ़ा देंगे। ओके, तो इसको आप लोग करिएगा, लेट्स ट्राई वन को आप लोग करिएगा, लेट्स ट्राई वन, एच डब्ल्यू में करिएगा आप लोग ठीक है, समझ में आया। आज हमने चैप्टर 7 को शुरू कर दिया क्योंकि चैप्टर 6 जो है आप ईयरली एग्जामिनेशन के सिलेबस में नहीं है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।